नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। संस्कृत के इस क्लास में हम बातचीत करने वाले हैं एक शीर्षक पर, जो कि है संस्कृत भाषा में कृदंत प्रयोग। नवी कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और साथ ही साथ आप अगर हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हम ईमेल कीजिए tth.class9@cied.nic.in। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो आप अपने प्रश्न हमें भेजिए इस शीर्षक से जुड़े हुए, और आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे मेहमान हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। सर है भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी नई दिल्ली से, और आइए सर से ही पूछते हैं इस शीर्षक का मतलब। सर, क्या आप हमें बताएंगे कि आज हमारे दर्शक इस कार्यक्रम में क्या सीखने पढ़ने वाले हैं? जी अवश्य बताएंगे। आज हम जो शीर्षक लेकर के आए हैं, जिस पर चर्चा करना लोग चाह रहे हैं, ये संस्कृत भाषा में कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग होता है, उसके विषय में है। इसको हम इस प्रकार से और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे समाज में हर वस्तु की एक संरचना होती है, एक भवन है, घर होता है, उस घर की संरचना होती है, उसे बनाने वाले होते हैं, उसको अलग अलग आर्किटेक्चर जो उसका है अलग अलग होता है, आर्किटेक्ट करते हैं। ऐसे ही शरीर की संरचना होती है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हम कार साइकिल देखते हैं, इनमें अलग अलग पार्ट्स और अलग डिजाइन के सब होते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग महत्व और अपना अलग अलग कार्य होता है। अगर एक का भी कार्य इधर का उधर हुआ तो अर्थ का अनर्थ होता है, या समझें गाड़ी में पार्ट्स इधर उधर हो, कोई काम ना करे तो वो चल नहीं सकती है। वैसे ही शब्दों की भी एक अपनी अलग दुनिया है। शब्दों में भी ऐसा ही सिद्धांत होता है, शब्द भी अलग अलग पार्ट्स से जुड़ करके बने हुए होते हैं। आप यूं समझें कि जैसे गाड़ी को ठीक करने के लिए अलग अलग चीजों को समझने के लिए कार्य किया जाता है, वैसे ही शब्दों को बनाने के लिए उसके प्रकृति प्रत्ययों को समझा जाता है, उसमें आने वाले आगम आदेश जो होते हैं उन्हें समझा जाता है, और कई वर्णों के द्वारा मिल करके नए नए शब्द बनते हैं और तभी वो अपने अर्थ को कह पाते हैं। जैसे काका शब्द है, अब यहाँ पे अगर काका में बड़ा का के बाद आ की मात्रा हटा के ई जोड़ दें तो काकी हो जाएगा, फिर वो काका अर्थ को नहीं कहेगा, वो अर्थ बदल गया। उसका अर्थ बदलने में योगदान किसका था, तो इकार जो ई लग रहा है उसमें ई की मात्रा लग रही है, वो ई की मात्रा उस अर्थ को बदल दे रही है। तो ऐसे ही शब्दों की दुनिया में शब्दों की संरचना है, शब्दों के जो पार्ट्स हैं उनको हटा देना, जोड़ देना, कहां पर किस मात्रा को जोड़ देने से, किस शब्द को जोड़ देने से क्या अर्थ हो जाएगा, आज हम उस संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और उस संरचना को समझाने का जो शास्त्र है, उस संरचना को बताने का जो ग्रंथ है, या यूं कहें जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट व्याकरण है। तो व्याकरण के द्वारा हम शब्दों की संरचना को सही है या गलत है उसकी पहचान कर पाते हैं, उसे जान पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। तो संस्कृत भाषा में कृदंत प्रयोग, ये कृदंत जो है, ये कृदंत कृत प्रत्यय है, वो कृत प्रत्यय जिन शब्दों से लग जाता है, जो अर्थात जुड़ जाता है, वो कृदंत शब्द कहे जाते हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रत्यय हैं जिन शब्द प्रत्ययों के योग से अलग अलग शब्द बनते हैं, और उन शब्दों को लेकर के हम व्यवहार करते हैं, बोलते हैं। तो उसमें से कुछ शब्दों को जो कक्षा 9 10 माध्यमिक स्तर में परीक्षा में आते हैं, उन शब्दों को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। उन प्रत्ययों को जोड़कर जो महत्वपूर्ण हैं, हम अधिकतर जिनका प्रयोग देखते हैं, ऐसे शब्दों को अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ यहाँ देख रहे हैं, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, क्षत्रि, शानज,
तव्य अनियर अक्ता तवतु इन प्रत्ययों के प्रयोग के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम तो आप प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। तो आप प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया को बताने के लिए होता है, जैसे वह नमस्कार करके भोजन करता है, वह पानी पीकर भोजन करता है, वह आ करके पढ़ता है। अब यहां हम देखेंगे कि दो क्रिया है, आ करके पढ़ता है आना और फिर पढ़ना, नमस्कार करना फिर जाना, पानी पीना फिर भोजन करना, ऐसे दो दो क्रिया हैं। तो एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है और दूसरी क्रिया जो चल रही क्रिया होती है, ऐसी ये दो क्रियाएं हैं। तो पूर्व काल वाली जो क्रिया है, ऐसा करके काम करके जाता है, तो जो क्रिया पूर्ण हो गई है ऐसी पूर्वकालिक क्रिया के लिए धातु से अक्त्वा प्रत्यय का विधान होता है। इस चीज को ऐसे हम समझ सकते हैं कि इसमें त्वा सुनाई पड़ता है, का हट जाता है हर जगह से। ये जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं क्री प्लस अक्त्वा, तो यहां पे इसके नीचे क्री गम नम पास रु दृश हन प्रक्ष, ये सभी धातुएं हैं। इन सभी धातुओं का अपना अर्थ होता है, जैसे क्री धातु करने के लिए कार्य करना, गम धातु जाने के लिए गमन करना, नम धातु नमस्कार नमन करने के लिए, तो ऐसे इन सभी धातुओं का अर्थ है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में इनके सभी के अर्थ हम देख पाते हैं। और दूसरा ये प्लस का चिन्ह लगा है, अर्थात इससे हम ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं, ये समझना चाहिए सभी से। तो अब इस धातु से अगर त्वा प्रत्यय हम जोड़ते हैं, त्वा में हमें त्वा केवल समझना चाहिए, का हट जाता है, तो क्या बनेगा? क्री में त्वा जोड़ेंगे तो कृत्वा। अब ये कृत्वा शब्द का अर्थ क्या होगा? करके। इसी तरह गत्वा, तो ये सभी संस्कृत में जो शब्द बन रहे हैं त्वा प्रत्यय जोड़ने से, वो हम यहां लाल कलर में देख पा रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ करके आएगा, कृत्वार्थात करके, गत्वार्थात जा करके, नत्वार्थात नमन करके नमस्कार करके, पीत्वार्थात पी करके, श्रुत्वार्थात सुनकर, दृष्ट्वा देखकर, हत्वा मारकर, पृष्ट्वा पूछकर। अब इनका वाक्य प्रयोग कैसे करें? तो हमने ये यहाँ पे उदाहरण दिया है, ये सभी उदाहरण है, पूरे पूरे एक एक वाक्य है। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, अर्थात कार्य करके घर जाओ। तो यहां दो क्रियाएं हैं, एक कार्य करना दूसरा घर जाना। तो घर जाने के पहले की जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, वह कृत्वा है, इसलिए यहां पर क्री धातु से अक्त्वा का प्रयोग करके कृत्वा यह प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही गत्वा जा करके, आपणम गत्वा फलम आनय, बाजार जा करके फल आनय अर्थात ले आओ, यहां गत्वा का प्रयोग है। सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ, सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाठ को पढ़ो। तो यहां भी दो क्रियाएं हम देख रहे हैं, एक नत्वा नमस्कार और दूसरा पढ़ना क्रिया। ऐसे ही दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु, दूध पीकर शयन करो अर्थात सो जाओ। तो यहां सोने क्रिया से पहले दूध पीना क्रिया है, ये दो क्रियाएं देख रहे हैं। ऐसे ही वार्ताम श्रुत्वा आगतोस्मि, बात को सुन करके आया हूं, तो यहां सुनना और आगमन दो क्रिया हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके हम इन शब्दों को बना सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी लगभग 2000 धातुओं से ये त्वा प्रत्यय करके 2000 शब्दों की हम नई संरचना कर सकते हैं, और इन सब का अलग अलग अर्थ होगा। ऐसे ही दूसरा प्रत्यय जो हम देखेंगे यह है ल्यप। यद्यपि ल्यप कोई अलग से प्रत्यय नहीं होता, अक्त्वा के स्थान में ही ल्यप का विधान होता है, ल्यप आदेश हो जाता है। कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जहां पर अक्त्वा को ल्यप होता है। अगर धातु वही रहे जो हमने पीछे देखा था, अगर ये धातु यही ले लें
फिर भी अगर इस क्री धातु के पहले कोई दूसरा शब्द आ जाए समास में हो, या ऐसा समझें कि उपसर्ग आ जाते हैं, जैसे यहाँ प्रा वी आ वी वी उत आ उप प्र, ये उपसर्ग हैं। ये पूरे का पूरा सेंटेंस पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा था, यहां से लेकर यहां तक। इस स्लाइड में केवल ये वाली लाइन बढ़ गई है। तो जब धातु से पहले अक्त्वा प्रत्यय करें और धातु से पहले कोई उपसर्ग हम जोड़ दें या कोई समास कर देते हैं, समास वाला शब्द जोड़ देते हैं, तो फिर वहां पर यह अक्त्वा को ल्यप हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे पानी का रंग सादा होता है, सफेद हम देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई कलर डाले तो परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही त्वा प्रत्यय अगर किसी उपसर्ग पूर्व में आज का संयोग हो जाए, पूर्व में उपसर्ग आ जाए, तो बदल जाता है, उसका रूप ल्यप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे नया रूप बनेगा। अगर नम धातु से अक्त्वा प्रत्यय हमने किया था तो नम धातु से अक्त्वा प्रत्यय पे नत्वा रूप बना था और इसका अर्थ था नमस्कार करके। लेकिन अब नम धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके और अगर प्रा जोड़ दें पहले तो प्रणम्य हो जाएगा, फिर नत्वा नहीं रह जाएगा, रूप उसका बदल जाएगा और इसका अर्थ होगा प्रणाम करके। अर्थ वही है, उसका भी अर्थ नमस्कार करके था, इसका भी, लेकिन रूप बदल जाएगा। वो सिचुएशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि सिचुएशन बदल रही है। यहां पर उपसर्ग बढ़ रहा है, एक नया शब्द जुड़ रहा है, उसके जुड़ने से शब्द जो है अपना रूप बदल देगा। तो यहां प्रणम्य ये रूप बनेगा और इसका अर्थ होगा प्रणाम करके। अगर वाक्य में प्रयोग हम करें तो गुरुं प्रणम्य सह पठति, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। ऐसे ही मातरं प्रणम्य सह गच्छति, माता को प्रणाम करके वह जाता है। पितरं प्रणम्य सह लिखति, पिता को प्रणाम करके वह लिखता है। इस तरह हम हजारों के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ एक शब्द को हम जान लें, बाकी उस तरह के बहुत सारे शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही वी उपसर्ग पूर्वक जब ज्ञा धातु होगी और उससे अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो उसको ल्यप हो जाएगा, और ल्यप होगा तो रूप बनेगा विज्ञाय, अर्थात जान करके। वाक्य प्रयोग करें तो वार्ताम विज्ञाय त्वम आगच्छ, बात को जान करके तुम आ जाओ। आगत्य आ उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग है, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अक्त्वा करेंगे तो ल्यप हो जाएगा और उसका रूप होगा आगत्य, अर्थात आ करके। गृहात आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान, घर से आ करके वह पाटलिपुत्र अर्थात पटना को गया। इसी प्रकार दा धातु से ल्यप जब संयुक्त होगा तो आदाय, आदाय अर्थात लाकर। किम आदाय सह समायातः, क्या लेकर वह आया। स्मृति धातु स्मरण करने अर्थ में, याद करना। स्मृति धातु से जब त्वा करेंगे और त्वा को ल्यप होगा तो वि उपसर्ग जोड़ने से विस्मृत्य अर्थात भूल करके। सह पाठम विस्मृत्य किं कर्तव्य विमूढः अभवत्, वह पाठ को भूल करके ऐसा किं कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किं कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है जहां पे समझ में ना आए कि अब क्या करें। अध्यापक क्लासरूम में प्रश्न पूछा इस वाक्य का अर्थ क्या होगा और बालक भूल गया है, तो वो सोचने लगेगा अरे हम क्या बताएं क्या बताएं। तो यह जो दशा होती है ऐसी सिचुएशन को किं कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, जहां समझ में ना आए कि हमें करना क्या है कहना क्या है। तो जब याद नहीं रहेगा तो वह किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। ऐसे ही विजित्य जीत करके, शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न, शत्रुओं को जीत कर राजा प्रसन्न। अब यहाँ पे विजित्य का प्रयोग एक एक हमने दिखाया है, आप देख रहे हैं, जो इस तरह के आप अलग बना सकते हैं। शत्रु को जीत कर राजा, काम क्रोध आदि हमारे जो शत्रु हैं, क्रोध हमारा भी शत्रु है, उसको जीत करके हम भी अच्छे बन सकते हैं। आलस्य हमारा शत्रु है, उसको जीत कर हम स्वयं प्रसन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से क्रोधम विजित्य अहम प्रसन्न, क्रोध को जीत कर मैं प्रसन्न हो गया।
आलस्यम विजित्य अहम प्रसन्न, आलस्य को जीतकर मैं प्रसन्न हो गया। इस तरह हम बहुत सारे प्रयोग इन प्रत्ययों के योग से बना सकते हैं। हमें ये ध्यान देना चाहिए, पहचान के लिए बालकों को ये ध्यान देना होगा कि रूप के पहले उपसर्ग देखें कि पहले उपसर्ग लगा है और बाद में यकार दिखाई पड़ रहा है त्या या ऐसे, तो वहां समझ लेना चाहिए कि ल्यप हुआ है, अक्वा प्रत्यय है फिर ल्यप हुआ है। और जहां पे अक्वा प्रत्यय होगा वहां त्वा दिखाई पड़ेगा, हर जगह आप देख रहे हैं कृत्वा गत्वा नत्वा पीत्वा श्रुत्वा ये, और जहां पे शांत होता है वहां श्वा या वा लास्ट में देख करके हम समझ सकते हैं कि ये अक्वा प्रत्यय है। इन प्रत्ययों के रूप नहीं चलते, जैसे कि वैसे रहते हैं, इनका ऐसा ही रूप रहेगा। आगे कुछ प्रत्यय आएंगे जिनके रूप बदलते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये जैसे के वैसे रहेंगे। हमने कृत्वा पढ़ा तो हर जगह कृत्वा ही प्रयोग होगा, ये अव्यय होते हैं। इस तरह से अव्ययों का रूप नहीं बदलता, वैसे इनका भी रूप नहीं बदलता है। अव्यय का अर्थ ही होता है जो व्यय नहीं हो, परिवर्तित नहीं होता, वो अव्यय होते हैं। हर अवस्था में, तीनों लिंगों में, हर वचन में एक समान बना रहता है, वो अव्यय होता है। तीसरा एक और प्रत्यय हम देखते हैं जो बदलता नहीं है, वह है तुगुन प्रत्यय। तुगुन प्रत्यय भी ऐसी अवस्था में होता है जहां पर दो क्रियापदों का एक ही करता रहे, जैसे वह जाना चाहता है, वह पानी पीने के लिए नदी गया। अब देखिए यहां क्रिया दो है, पानी पीना और जाना, लेकिन कर्ता एक है, दोनों काम को करने वाला व्यक्ति एक है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया, अब यहां पर भी पढ़ना उद्देश्य एक पठन क्रिया है और दूसरा जाना गमन क्रिया, लेकिन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक है जो जाने वाला है। ऐसे ही स्नान करने के लिए तालाब गया, स्नान करने के लिए स्नानागार गया, नदी गया, तो अभी हर जगह दो, भोजन करने के लिए भोजनालय, तो भोजन करने के लिए भोजनालय जाता है, भोजन करना एक उद्देश्य और दूसरा जाना गमन क्रिया। तो ऐसी अवस्था जहां होती है दो क्रियाएं दृष्ट हो रही हो और कर्ता एक हो रहा हो, और पहली क्रिया जो है दूसरी क्रिया की निमित्त होती है, जो क्रिया हो रही है वो उसकी निमित्त होती, भोजन करने के लिए भोजनालय जाता है, तो जो गमन क्रिया है वो भोजन की निमित्त हो गई, भोजन अगर नहीं करना होता तो वह जाता नहीं, तो भोजन उसका उद्देश्य हो गया। तो जहां उद्देश्य करके क्रियाएं की जाती हैं वहां पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग, उद्दिष्ट जो क्रिया है उसके लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। वह पढ़ने के लिए जाता है, अध्ययन का गमन का उद्देश्य पठन है, इसलिए पठ धातु यहां पे तुमन प्रत्यय युक्त होगी और पठितुम प्रयोग बनेगा, जैसे सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। सुरेश जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो उद्देश्य पढ़ना है। ऐसे ही हम कुछ यहाँ उदाहरण देखेंगे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इस लाइन में जो देख रहे हैं इसके नीचे ये पूरे सभी के सभी धातुएं हैं, गम धातु, हन धातु, पा धातु, स्ना धातु, खाद, क्रीड और भाष, इनसे जुड़े हुए प्रत्यय हैं ये, प्लस अर्थात हमें जोड़ना है, इन सबको इनसे जोड़ देना है। तो गम धातु से तुमन प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो उन हट जाता है, केवल तुम बचता है, गम तुम मिलाएंगे गंतुम प्रयोग बनेगा। तो यहाँ पे तुम सुनाई पड़ रहा है, ऐसे सभी धातुओं में सुनाई पड़ेगा, गंतुम, हन से हंतुम, पा से पातुम, स्ना से स्नातुम, खाद से खादितुम, क्रीड से क्रीडितुम, भाष से भाषितुम। ये सात धातुओं को हमने दिखाया है, सात के अतिरिक्त 2000 समथिंग जो और धातुएं हैं उनसे आप जोड़ करके, या आपके पुस्तक में जिन धातुओं का प्रयोग किया गया है, आप श्लोक पढ़ते हैं, गद्य पद्य पढ़ते हैं, उनको देख करके इस तुमन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आगे इनका अर्थ भी हम देख लेते हैं, जैसे गंतुम जाने के लिए वाक्य प्रयोग अगर करें तो सह गृहम गंतुम उद्यतः, वह घर जाना चाहता है। हंतुम मारने के लिए मृगम हंतुम सिंह समुद्यतः अस्ति, सिंह जो है वह मृग को मारने के लिए सिंह
उद्यत हो रहा है, ताक पर बैठा हुआ है वो मृग दिखाई पड़े और हम उस पर झपट्टा मार जाए ऐसे। इसी तरह पातुम पीने के लिए श्लोकों में बहुत जगह पातुम न प्रथमम व्यवश्यति ये श्लोक का अंश है, ऐसे ही जलम पातुम कुत्र गतवान ऐसे बहुत प्रयोग दिखेंगे। तो जलम पातुम सह नदीम गतवान, जल को पीने के लिए वह नदी गया। अब यहाँ पातुम पीने के लिए तो सीधा सा हमें अर्थ ये प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों के अर्थ को समझना है कि जो उद्देश्य करके क्रिया बताई गई है, जिस क्रिया के लिए कार्य किया जा रहा है, मुख्य उद्देश्य उद्दिष्ट जो क्रिया है उस क्रिया में तुम्न प्रत्यय का प्रयोग होता है और दूसरी क्रिया उसकी उस उद्देश्य उद्देश्यभूत जो क्रिया है उसको पूरा करने के लिए दूसरी क्रिया भी दिखाई पड़ती है। सह स्नातुं तरण तालम अगच्छत, वह स्नान करने के लिए तरण ताल अर्थात तालाब को गया, स्विमिंग पूल में जाता है। तो अब स्विमिंग पूल में गया किस लिए, तो स्नातुं स्नान उद्देश्य है। बालक आम्रम खादितुम इच्छति, बालक आम खाना चाहता है। तो अब यहाँ पे चाहने का उद्देश्य क्या है, खाना आम खाना, तो यहाँ पे खादितुम यह तुम प्रत्यांत प्रयोग है। अब इसमें भी हमको यही देखना है कि यह तुम जहां सुनाई पड़ रहा है ये सब के सब अव्यय हो जाते हैं और यहाँ पर भी रूप नहीं बदलता, जैसा का वैसा प्रयोग होता है। अगला प्रत्यय हम देखते हैं क्षत्रिय और शानच, ये दो प्रत्यय हैं, इनको भी हम ऐसे समझ लें कोई क्रिया हो रही है, जैसे वह दौड़ते हुए गिरता है, वह हंसते हुए जाता है, हंसते हुए बात करता है या हंसते हुए बात करती है। इसको हम हर समय ध्यान देंगे कि संस्कृत में जब क्रिया पदों का प्रयोग होता है तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग भेद नहीं किया जाता, जो क्रियाएं पुरुषों के लिए प्रयोग होती हैं वही क्रियाएं स्त्रियों के लिए भी, स्त्रीलिंग रहेगा बालिका खादति बालिका खाती है, बालक खादति बालक खाता है, दोनों के लिए समान क्रिया व्यवहार समान है, दोनों के लिए भेद वाला व्यवहार अलग अलग नहीं होता। तो संस्कृत में अगर एक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है कि बालक पढ़ता है बालक पठति तो बालिका पठती, अब उसके लिए पढ़ती है ऐसा नहीं, ये हिंदी में अलग अलग व्यवहार होता है, हम पहचान सकते हैं हिंदी में ये पहचान बनी रहती है कि वह जाती है और वह जाता है, इस वाक्य से हम समझ जाएंगे कि किसके लिए प्रयोग हो रहा है। लेकिन संस्कृत में तब तक आप नहीं जानेंगे जब तक उसका नाम ना लिया जाए, बालिका आप कहेंगे सीता कहेंगे तो पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, लेकिन जब तक सिर्फ क्रियापद का प्रयोग हो रहा है तो वहां पता चलने वाला नहीं होता। तो यह हम ध्यान देंगे कि क्षत्रिय सानच का जो प्रयोग करेंगे तो तीनों लिंगों में क्षत्रिय सानच का प्रयोग होता है, तो अगर कोई कार्य को करते हुए दूसरा कार्य करता है, वह देखते हुए हंसता है या वह देखते हुए हंसती है, ऐसी अवस्था जो होती है उसको बताने के लिए क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और ये क्षत्रिय शानच विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, किसी शब्द के ये विशेषण ही बनेंगे। और इनकी पहचान के लिए हम यहां देख रहे हैं अत और मान, जब धातु से क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो क्षत्रिय में शा और री चला जाता है, केवल अत बचता है, तो धातु से केवल अत जुड़ता है, जैसे पठ से जोड़ेंगे अगर क्षत्रिय तो पठत, लिख से लिखत, हंस से हंसत, ये प्रयोग होगा। इसी तरह बाकी के 2000 धातुओं से भी जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए केवल यहाँ पे हमने 3 ही धातुओं को रखा है क्योंकि मैटर ज्यादा हो रहा है, और अभी जो देख रहे हैं पठ से पठत तो हम बनाया हमने, तो ये पठत यहाँ दिख रहा है, ये नपुंसक लिंग का प्रयोग है, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है और ये पुल्लिंग का प्रयोग है, पठन लिखन हसन। बालक हसन गच्छति बालक हंसते हुए जाता है, बालक पठन गच्छति बालक पढ़ते हुए जाता है, बालिका पठंती गच्छति बालिका पढ़ते हुए जाती है, बालिका लिखंती वर्तते बालिका लिखते हुए है, बालिका हसंती वदती लड़की हंसते हुए बोल रही है। तो इस तरह से स्त्री लिंग के ये प्रयोग होंगे, नपुंसक लिंग के ये विशेषण शब्द जो हैं पठत लिखत और हंसत,
पठत कुलम वर्तते, अर्थात यह कुल पढ़ता हुआ है, लिखत कुलम वर्तते, ऐसे इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना होगा, छात्रों को ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पे केवल एक एक रूप हमने दिखाया है, इनका 21 विभक्तियों में रूप भी चलेगा, जैसे पठन पठन्तौ पठन्तः, पठन्तम पठन्तौ पठतः, पठता पठद्भ्याम पठद्भिः, पठते पठद्भ्याम पठद्भिः, अलग अलग बढ़ता जाएगा। आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या क्या ये रूप कैसे याद होंगे, ये रूप याद कभी नहीं करने पड़ते। संस्कृत के शब्द रूपों का एक सिस्टम है, एक चाबी है, उस चाबी को आप समझ जाएंगे कि किधर को घुमाना है, बस बाकी सारे रूप आप अपने आप बोल सकते हैं, वो याद नहीं करना पड़ता। मेरे सामने ये पठन है, जैसे पठन पठन्तौ पठन्तः, पठन्तम पठन्तौ पठतः हमने बोला, ऐसे ही लिखन लिखन्तौ लिखन्तः, लिखन्तम लिखन्तौ लिखतः, हसन हसन्तौ हसन्तः, हसन्तम हसन्तौ हसतः, ये रूप बनता जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, बस फटफट वो शब्द आएंगे। इसी तरह लिखंती पठंती, इनके भी 21 प्रकार से रूप, जैसे स्त्रीलिंग नदी नद्यौ नद्यः, पठन पठन्तौ भवन भवत शब्द की तरह रूप बनेंगे, भवान भवन्तौ भवन्तः का। तो इसी तरह गच्छत पठत का पठत पठंती पठंती, ऐसे नपुंसक लिंग का रूप बनेगा। ये अभ्यास करना पड़ेगा, हम आधे घंटे की क्लास में इसको पूरा पूरा बता नहीं सकते हैं, इसके लिए अच्छा अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि ये शत्रिसानच अगर पूरा पूरा इसका सिस्टम समझना हो तो पूरी एक क्लास एक दो घंटे की जरूरत पड़ेगी कि अच्छे से इसे समझाया जा सके। अभी हम जो बता रहे हैं केवल दिशा निर्देश है कि यह इस प्रकार से होता है। ऐसे ही ये ध्यान दे रहा होगा हमें कि परशुराम रूप है। हमारे पास और समय नहीं है तो अभी के लिए कार्यक्रम यहीं पे खत्म करना होगा। अच्छा, तो हम शत्रिसानच को देख करके और फिर इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे आज। और शानच प्रत्यय अगर करते हैं तो वह आत्मनेपदी धातुओं से प्रयोग किया जाता है, यहाँ आप देख रहे होंगे परस्मैपदी धातुओं से शत्रि और आत्मनेपदी धातुओं से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ये शानच का उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं, सेव धातु से शानच प्रत्यय किए तो सेवमान पुलिंग रूप है, ये सारे पुलिंग रूप है और ये स्त्रीलिंग शब्दों के रूप आएंगे और शेष ये नपुंसक लिंग शब्दों के रूप आएंगे। इनके भी तीनों लिंगों में ऐसे रूप चलेंगे और 21 विभक्तियों में रूप चलेंगे, सेवमान सेवमानव सेवमानाः राम की तरह रूप चल जाएगा, इसको हम ऐसे समझेंगे। तो ये भी इसी अर्थ को कहता है, सेवमान अर्थात सेवा करता हुआ, जैसे वहां पठन का अर्थ था पढ़ता हुआ, पढ़ते हुए जाता है हंसते हुए जाता है, वैसे यहाँ सेवमान सेवा करता हुआ, सेवमाना अर्थात सेवा करती हुई, सेवमानम नपुंसक लिंग के लिए सेवमानम कुलम सेवा करता हुआ कुल, तो मोदमान प्रसन्न हंसते हुए प्रसन्न होते हुए कार्य करता है, किसी कार्य को करने में हम अगर खुशी होती है तो वहां मोदमान ऐसा मोदमान बालक कार्यम करोति, हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक बालक कार्य करता है, मोदमाना बालिका कार्यम करोति, प्रसन्न बालिका कार्य करती है, ऐसे मोदमानम कार्यम, और इसका इसी शत्रिसानच की ये हम यहाँ पे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो इन वाक्यों में बने हुए हैं। विद्यालयम गच्छन्ति भी बालिका भी मार्गे कपोताः दृष्टाः, विद्यालय जाती हुई बालिका के द्वारा रास्ते में कबूतर देखे गए। अब ये जो है प्रयोग आत्मनेपदी प्रयोग है, कर्म में प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ऐसा दृष्टाः का प्रयोग यहाँ देखा देख रहे हैं, और ऐसे ही इन शब्दों को आगे अगले कार्यक्रम में इसे लेंगे। अभी के लिए खत्म करते हैं, समय नहीं है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम शत्रिसानच के प्रयोग को इन उदाहरणों को देखते हुए पूरा करते हैं, शेष जो प्रयोग हैं अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ताक्तवतु और अनियर आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये कार्यक्रम देखने के लिए। थोड़ी देर में हम फिर से हाजिर होंगे साइंस का एक कार्यक्रम लेके, जिसपे हम बातचीत करेंगे टिश्यूज पर, टिश्यूज पार्ट 2। नवी कक्षा के सभी छात्र हमारे साथ जुड़ सकते हैं
और देख सकते हैं हमारा एक कार्यक्रम पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। अब अपना ध्यान रखिएगा और घर से बाहर नहीं जाइएगा अगर जरूरत ना हो तो। नमस्कार।